थाना क्षेत्र खोड़ारे अंतर्गत खैरारी निवासी कुकनगर ग्रांड रामबोध व सियाराम पिता पुत्र बहुनान यूनियन बैंक से 1,20,000 रुपया निकाल कर मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखकर घर के लिए चल दिए। ज्यों ही कुकनगर स्थित शंकर नगर के एक जनसेवा केंद्र के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर 10,000 रुपया जनसेवा केंद्र से निकालने गए, किसी ने डिग्गी खोलकर रुपया लेकर रफू चक्कर हो गया। इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर सीओ मनकापुर व एसओ खोड़ारे दल बल के साथ पहुंचकर घटना स्थल व बैंक पहुंचकर फुटेज चेक किए। सीओ मनकापुर ओम सिंह ने बताया कि शीघ्र ही घटना का पर्दाफाश हो जाएगा, जांच किया जा रहा है। बताते हैं कि नए एसओ महेंद्र कुमार सिंह आने पर पहुंचे ही थे कि उन्हें घटना की सूचना मिलते ही दौड़ना पड़ा। पीड़ित सियाराम थाने पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। अच्छा, गाड़ी यहाँ खड़ा करके श्रीवास्तव के यहाँ गए? श्रीवास्तव जी के यहाँ गए, उसके बाद वहाँ से लौट कर आए, फिर यहाँ तुम पैसा निकाले। आपके यहाँ पैसा निकाले और फिर यहाँ से लौट के गए तो पता लगा कि डिक्की खुली थी। ढूंढने लगे यहाँ पे, दोबारा चाबी ढूंढने, हाँ यहाँ नहीं छूटा तो चाबी गाड़ी में लगा था। हाँ, तो गाड़ी में देखे कि नहीं है चाबी, डिग्गी के पास जो है पड़ा था चाबी, डिग्गी के ऊपर, डिग्गी के ऊपर पड़ा हुआ था। अब उनसे चाबी से क्या मतलब था, पैसा निकाले फेंक दिए चाबी, जरूरत थी पैसा निकाला डिक्की, उसके बाद चाबी फेंक दिया वहीं। तो चाबी आए तुरंत डिक्की खोल के देखने लगे? डिक्की खुला था सर। डिक्की खुला था, डिक्की खुले नहीं, खुला था। अच्छा, डिक्की अच्छा, इनकी खुली थी, चाबी लगा के ऐसे डिक्की में लगा हुआ था क्या उसमें? नहीं, निकाल कर फेंक दिए थे शायद, बगल में उस पर नहीं लगा था, उसके बगल में पड़ा था, सीट के बगल में वहीं पैनल में कहीं बजा था। ये किस गाँव के रहने वाले हैं जिसका पैसा गायब? खड़ारी। खड़ारी नमो का है, सियाराम नाम है उनका। क्या नाम नाम है? बापू दोनों लोग साथ में थे? दोनों लोग साथ में। तो क्या दोनों लोग यहाँ पैसा निकालने आए थे? नहीं, एक लोग वहाँ, उनका बाप जो है वहाँ जाके बैठ गया तख्ते। अच्छा, वहाँ तख्ते पर होटल पर बाप वहाँ बैठा हुआ था, सामने ही गाड़ी खड़ी थी। हाँ, और लड़का यहाँ आया, पैसा निकाला। हाँ, और इतने में उसमें डिग्गी में से कितना कितना बता रहे निकल गया है? 1.5 लाख रुपया उसमें से निकल गया। हाँ, ये जो आप यहाँ से 10,000 लिए, यही ये खाली रखे हुए हैं अभी? तो आई है जो नहीं निकाली, नहीं ये वाला तो नहीं आई है। गए वो लोग थाने पर, गए कहाँ गए हैं? कुछ शायद एसओ साहब ले गए हैं बहुनान, शायद स्टेट बैंक नहीं, फिर नहीं यूनियन से निकाले थे। यूनियन सी ओ साहब से पहले एसओ साहब आए रहे हैं। हाँ, आज ही उनकी शायद पहली ज्वाइनिंग है एसओ साहब के। हाँ, आज ही का घटना है। आज ही कौन चौराहे का कहा जाता है, लालक चौराहा, शंकर नगर चौराहा। अच्छा अच्छा, शंकर नगर चौराहा। कई बजे घटना हुई लगभग? अब 1:08 में हमारे यहाँ रुपये निकाले। हाँ, तो वही 1 बजे के आसपास, 1 बजे आसपास की घटना है। नोएडा ज़िले का ये शंकर नगर चौराहा है। यहाँ बता रहे हैं आज दिन में 1:00 पे मोटरसाइकिल के डिग्गी से रुपया किसी ने निकाल लिया है। ये जो सामने गाड़ी खड़ी है प्लाटीना, वो लाल रंग की प्लाटीना थी, यही इसी जगह पर खड़ी थी सामने। और यहाँ से सियाराम नाम के व्यक्ति सामने वाली दुकान पे 10,000 रुपया और निकालने गए थे जनसेवा केंद्र पे। और वहाँ से जब वो निकाल करके आए तो बता रहे हैं कि जहाँ ये गाड़ी खड़ी हुई है इसी जगह पर उनकी प्लाटीना खड़ी थी, और डिग्गी से सामने वालों ने पैसा निकाल लिया और निकाल करके चाबी वहीं छोड़ दिए, ऐसा लोग बता रहे हैं। ये कुकनगर का शंकर नगर चौराहा है, सामने होटल है। इस होटल के जस्ट सामने इधर जहाँ ये मोटरसाइकिल प्लाटीना खड़ी है, इसी जगह बता रहे हैं कि वो प्लाटीना लाल रंग की थी जो खड़ी थी, और बहुनान यूनियन बैंक से वो रुपया निकाल करके आए थे, ट्रैक्टर लेने के उद्देश्य से आए थे। और यहाँ गाड़ी खड़ा करके उनके पिताजी रामबोध वहाँ सामने होटल पर बैठ गए, और सियाराम सामने वाली दुकान पर, जो सामने की ये दुकान है, उस दुकान के ऊपर जो है गए थे 10,000 रुपया और निकालने के लिए। वहाँ से उन्होंने 10,000 रुपया निकाला, निकाल के जब वापस गाड़ी के पास पहुँचे तब तक इनके डिग्गी से जो है, क्योंकि इन्होंने चाबी गाड़ी पर ही छोड़ दिया था, डिग्गी खोल करके वो पैसा निकाला और रफू चक्कर हो गया। लौट के आए जब चाबी खोजने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी डिग्गी में रुपया नहीं था। और यहाँ पर मौके पर सीओ साहब मनकापुर उपस्थित हुए, पुलिस बल एसओ साहब आए, और इन लोगों को लेकर के बैंक गए हैं, यूनियन बैंक गए हैं,